देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध। बाराबंकी कोतवाली नगर पुलिस एवं स्वाट पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली नगर बाराबंकी क्षेत्र के अंतर्गत 2 चोरी और जनपद लखनऊ के थाना चिन्हट की 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा करके संबंधित चोरी किए गए सामान आभूषण नगद रुपए बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्तों में मैनुद्दीन पुत्र जमील गैंग लीडर, मुन्ना और फिदा हुसैन पुत्र कल्लू, जयकरण सिंह पुत्र विदेशी लूनिया, स्माइल पुत्र मुजफ्फर अली, मनीष सोनी पुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सोनी को नए बस स्टॉप फैजाबाद रोड कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया है। जनपद बाराबंकी में चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी RS गौतम के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर क्राइम सुश्री सीमा यादव ने कोतवाली नगर में हुई प्रेस वार्ता में बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि मैनुद्दीन ही उनके गैंग का लीडर है और जनपद सीता लखनऊ बाराबंकी हरदोई आदि जनपदों में चोरी की घटनाओं को इनके द्वारा ही अंजाम दिया गया है। ये गैंग बहुत शातिर है, जो तय योजनाएं होती हैं उसके अनुसार ये रेकी करते हैं। मैनुद्दीन अपने साथी जयकरण और स्माइल के साथ लखनऊ में रेकी करने के लिए मजदूर बनकर जाते थे। मजदूरी करने वाले जगहों पर ये बंद पड़े घरों में जिस पर सदस्य कम होते हैं उन्हें चोरी का निशाना बनाते हैं। जनपद बाराबंकी में ये लोग लखनऊ अयोध्या हाईवे पर शाम होते ही किसी भी वाहन द्वारा आ जाते थे और हाईवे से खेतों के रास्ते चोरी की घटना को अंजाम देते थे, क्योंकि रात में सड़क से आने पर पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने और पकड़े जाने का खतरा था। इसीलिए लोग खेत के रास्ते होकर आते जाते थे। चोरी करने के बाद रात में आसपास की सुनसान जगहों पर रुकते थे। दिन होते ही किसी न किसी वाहन से ये अपने घर की तरफ लौट जाते थे। चोरी किए गए सामान को अभियुक्त मनीष सोनी ही बेच देता था। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शामिल है उप निरीक्षक विवेक कुमार सिंह स्वाट, टीम प्रभारी उप निरीक्षक शशिकांत सिंह, उप निरीक्षक रत्नेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल अमर बहादुर, कांस्टेबल अर्जुन सोनकर, कांस्टेबल बसंत ठाकुर, हेड कांस्टेबल इदरीश खान, हेड कांस्टेबल आदिल हसन, हेड कांस्टेबल बलिकरण सिंह और कांस्टेबल प्रवीण शुक्ला स्वाट टीम जनपद बाराबंकी से। यूपी क्राइम न्यूज के लिए बाराबंकी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। किस टाइप का खुलासा है, कितने लोग पकड़े गए और क्या वर्किंग टीम की? थाना कोतवाली नगर की पुलिस को और हमारी स्वाट टीम को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं, कुछ चोर हैं और जो कि कुछ सामान ले जाकर कहीं जाने की फिराक में है। इसी सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस और स्वाट टीम हमारी एक्टिव हुई और बस स्टैंड के पास से कुछ लोगों को पकड़ा गया। वहाँ पर जब उनकी तलाशी हम लोगों ने की, टीम ने हमारी उसकी तलाशी की, तो उनकी तलाशी में कुछ सामान मिला जिसमें कुछ चांदी और सोने के जेवर थे, एक LED थी, एक लैपटॉप था और उनके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ। जब उनसे गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ चोरियाँ कबूली, जिसमें से 3 चोरी हमारी लखनऊ क्षेत्र की थी और 2 चोरी हमारी बाराबंकी क्षेत्र की थी और चोरी में हमें सामान भी बरामद हुआ। इसके अलावा इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई, जानकारी इनके बारे में की गई, तो पता चला इनका आपराधिक इतिहास भी है। ये सभी सीतापुर के रहने वाले हैं, ये वहाँ से आते थे, चोरी करते थे और रात में ही चले जाते थे। क्या देख रहे हैं